दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जगत की बड़ी और दिग्गज स्पेस एजेंसी की शुरुआत कैसे हुई? इस कहानी की शुरुआत केरला के एक छोटे से गांव और उसमें बसी एक चर्च से होती है। कैसे बना इसरो, कैसे हुआ पहला रॉकेट का लॉन्च, आइए इस वीडियो में देखते हैं इसरो की जबरदस्त हिस्ट्री को। कैसे इसरो ने दुनिया को आज चंद्रयान की सक्सेसफुल लैंडिंग करवाकर और आदित्य L1 को स्पेस में भेजकर दुनिया को हिला डाला। कैसे इसरो नासा को आज टक्कर दे रहा है। In a major achievement, the Indian Space Research Organisation ISRO injected the Chandrayaan-3 spacecraft. Sriharikota se Bharat ka pehla mission Aditya puri safalta ke saath launch hua. ISRO, the Indian Space Research Organisation, is a centre of pride for India. दोस्तों, ये बात है 1920 की। इंडिया में साइंटिस्ट स्पेस पर एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। इसमें एसके मित्रन, मेघना शाह और सीवी रमन जैसे बड़े-बड़े नाम। हालांकि ऑर्गेनाइज्ड स्पेस मिशन इंडिया में दो साइंटिस्ट के बदौलत शुरू हुआ। डॉक्टर होमी भाभा, जिनको के फादर ऑफ एटॉमिक एनर्जी कहा जाता है, और डॉक्टर विक्रम साराभाई, जिन्होंने 1947 में फिजिकल रिसर्च लेबॉरेटरी अहमदाबाद की स्थापना की। वो इंडिया में स्पेस टेक्नोलॉजी को डेवलप करना चाहते थे। दोस्तों, किसी भी देश में स्पेस टेक्नोलॉजी हो या कोई भी बड़ा डेवलपमेंट, वो एक विजनरी लीडरशिप के बगैर मुमकिन नहीं। और ये हो पाया पंडित जवाहरलाल नेहरू की जबरदस्त विजनरी लीडरशिप की वजह से। ये दो साइंटिस्ट पीएम पंडित नेहरू के पास जाते हैं और उन्हें कन्विंस करते हैं वो इंडिया को नई स्पेस एज में लेकर जाएं और इंडिया को स्पेस एज का हिस्सा बनाएं। वो स्पेस में इन्वेस्ट करने पर पंडित नेहरू को कन्विंस कर लेते हैं और यहीं से जन्म होता है इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च, यानी इंस्को पार का। नासा एग्रीमेंट साइन करता है और वो इंडिया को अपना रॉकेट नाइके अपाचे देता है। लेकिन अब जो नेक्स्ट स्टेप था वो ये था कि इस रॉकेट को कैसे लॉन्च किया जाए, कैसे इसको स्पेस में भेजा जाए। इसके लिए चाहिए था एक रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन, जो कि इंडिया के पास नहीं था। बस फिर शुरुआत हुई उस जगह के खोज की कि जहाँ ये रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन बनाया जाए और एक आइडियल लोकेशन उसके लिए ढूंढी जाए। कई स्टेट्स के टूर किए गए और कई लोकेशंस को ढूंढा गया, लेकिन जगह का मिलना इतना आसान नहीं था। फिर साराभाई पहुंचते हैं केरला के कोस्ट पर एक छोटे से गांव तुम्बा में। उसके साथ उनके फेलो साइंटिस्ट, जिनमें है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। वहां पर एक छोटी सी चर्च है, चर्च का नाम है मैरी मैग्डलिन चर्च। और इत्तेफाक से दोस्तों, यही चर्च साबित होती है आइडियल लोकेशन। जब वो यहाँ जाते हैं तो कंपास की लोकेशन ना तो नॉर्थ की तरफ पॉइंट करती है और ना ही साउथ की तरफ। मतलब ये जो चर्च था ये बिल्कुल मैग्नेटिक इक्वेटर पर मौजूद था और तुम्बा विलेज था ज्योग्राफिक इक्वेटर के बिल्कुल पास। It on the soil of India, the great space powers, the United States, the USSR and France are collaborating with us at the equator range near Tumba. ये स्थिति बिल्कुल अनुकूल थी एक रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन के लिए, जहां पर ज्योमेट्रिक इक्वेटर के करीब होना प्लैनेटरी स्पिन की वजह से रॉकेट को लॉन्चिंग में बूस्ट मिलती है। अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट काम ये था दोस्तों कि गांव वालों को और चर्च को इस साइंटिफिक मिशन के लिए ये चीज़ों को देने के लिए कन्विंस करना। दोस्तों, अगर यहाँ तक आपको वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को एक लाइक और सब्सक्राइब हमारे चैनल को तो ज़रूर बनता है। आइए अब आगे की स्टोरी देखते हैं, स्टोरी जहां है गांव वालों ने ये चर्च और ये गांव पूरा का पूरा इंडियन स्पेस मिशन को दे दिया। ये स्टोरी भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इस स्टोरी को APJ अब्दुल कलाम ने अपनी किताब इग्नाइटेड माइंड्स में बताया है। आप इस किताब में जाकर इस स्टोरी को जरूर पढ़ें। जब विक्रम साराभाई इस चर्च के बिशप के पास पहुंचते हैं और उनको अपना प्लान बताते हैं तो जो बिशप है वो कुछ नहीं कहते हैं, वो सिर्फ उनसे कहते हैं कि आप संडे के मास में अटेंड कीजिए। जब वो संडे की मास में जाते हैं तो चर्च सारे गांव वालों से भरा हुआ था। चर्च के बिशप बहुत ही ज़बरदस्त स्पीच देते हैं और सारा के सारा गांव कन्विंस हो जाता है कि ये चर्च और गांव इस नए स्पेस स्टेशन के लिए दे दिया जाए। दोस्तों, इस बात को देखकर बहुत दुख होता है कि आज हमारे देश में कुछ लोग चर्चेस को जलाते हैं। जो चर्चेस को जलाते हैं वो इंडिया की हिस्ट्री से पूरी तरह से परिचित नहीं है। वो ये नहीं जानते हैं चर्च हो या मस्जिद हो या मंदिर हो या गुरुद्वारा, देश के निर्माण ने हर एक ने अपना पूरा पूरा योगदान दिया है।
सबके समर्पण और डेडिकेशन से ये देश बना है और खड़ा हुआ है। 200 दिनों के अंदर ये पूरा का पूरा गांव और गाँव वाले रिलोकेट हो जाते हैं। चर्च बनता है रॉकेट डिजाइन एंड असेंबली सेंटर। बिशप के घर में ही बनाई जाती है स्पेस इंजीनियरिंग वर्कशॉप और चर्च के तबेले में बनाया जाता है न्यू स्पेस लेबॉरेटरी और वो गांव बनता है थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन। जब पहली बार रॉकेट को इस स्टेशन पर लॉन्चिंग के लिए लाया गया दोस्तों वो दृश्य बहुत ही अद्भुत था। इसके पार्ट्स को साइंटिस्ट साइकिल और बैलगाड़ियों पर लाद कर यहाँ पर लेकर आ रहे थे। 21 नवंबर 1963 को पूरी दुनिया की नज़र इंडिया पर थी और लॉन्च हुआ इंडिया का सबसे पहला रॉकेट। हमारे देश के कुछ बहुत ही साहसी और एंथुजियास्टिक साइंटिस्ट ने ये बहुत ही अद्भुत कारनामा कर दिखाया। जिस समय में ये साइंटिस्ट तुम्बा लेबॉरेटरी में काम कर रहे थे दोस्तों वहाँ कोई फैसिलिटीज नहीं थी, यहाँ तक कि वहाँ एक कैंटीन भर तक नहीं थी। उनको लंच खाने के लिए साइंटिस्ट को साइकिल पर तिरुवनंतपुरम रेलवे स्टेशन तक जाना पड़ता। रेलवे स्टेशन पर वो जाते, खाना पीना करते और फिर आकर काम करते। देश के 22nd इंडिपेंडेंस डे के अवसर पर यानी कि 15 अगस्त 1969 को इनको स्पार को मिला एक नया रूप और जन्म हुआ इसरो का। यही वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसने दुनिया में सबसे पहली बार चांद पर पानी आज खोज निकाला है यानी कि ड्राई आइस। हमने इसी इसरो के जरिए आज आदित्य L1 चांद की स्टडी के लिए लॉन्च किया है। दोस्तों इसरो ने हमको बहुत प्राउड किया है और इसरो दुनिया की किसी भी स्पेस एजेंसी को आज टक्कर दे सकता है। इन्हीं साइंटिस्ट के बदौलत और इन्हीं सैक्रिफाइसेस के बदौलत आज इंडिया को इसरो ने बना दिया है स्पेस का बेताज बादशाह। दोस्तों होप कि आपको हमारा ये वीडियो बहुत पसंद आया हो। तो अगले बार फिर मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा।